हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काल एशियाटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियाटिक्स सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा उसको लेकर हम बात करेंगे। एशियाटिक्स सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए क्या आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, इसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, एशियाटिक्स फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। जो कैंडिडेट फेल हो गई है तो उनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे डाउट है, तो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @waytoright। जैसे आप सर्च करोगे विजय काल एशियाटिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITS इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे CITS इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देगा। आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम था, थ्योरी के एग्ज़ाम में आपको पासिंग के लिए 40 मार्क्स चाहिए थे, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें पासिंग के लिए आपको 120 मार्क्स चाहिए थे। जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स इससे कम है वो कैंडिडेट फेल है, और आपके रिजल्ट में मेंशन भी होगा, ठीक है। तो भाई, ना तो कोई ग्रेस मिलता, ना कोई रीचेकिंग का ऑप्शन होता, तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप फेल हो। अभी हम बात कर लेते हैं CITS सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पिछले 2-3 साल की, जो आपका नोटिस है वो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर का लास्ट वीक या फिर जनवरी में आपको जो नोटिस है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का वो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन, जो एग्जामिनेशन फीस होगी सप्लीमेंट्री की, वो आपकी जनवरी लास्ट वीक में फिल होगी, जनवरी लास्ट वीक, ठीक है। और फिर जो आपके एग्जाम है CITS सप्लीमेंट्री एग्जाम, ये भाई आपके फरवरी में होते हैं। पिछले दो तीन साल से तो यही चल रहा है, ठीक है। जो आपके CITS सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे वो फरवरी में होंगे। मैं आपको पिछले साल का नोटिस दिखा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पिछले साल का नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 जनवरी को ये नोटिस आया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही ये नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपको फीस वगैरह जमा करनी पड़ती है, ये जो जनवरी का लास्ट वीक था उसमें रजिस्ट्रेशन की डेट आई थी, यहाँ पर आप देखिए। और जो आपके एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम भाई आपके फरवरी में हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर जो इसका कंप्लीट नोटिस था, ये प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल, ये 15 जनवरी को इन्होंने जारी कर दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, दिसंबर या दिसंबर के बाद जनवरी में आपका नोटिस आ जाएगा, ठीक है। और जनवरी में ही आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो होंगे, उसी टाइम आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फीस जमा होगी, उसके बाद आपके फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी दिसंबर में या फिर जनवरी में, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। जैसे कोई भी अपडेट आएगी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर, वहीं पर आपको अपडेट मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, तो कॉलेज आपको नहीं जाना पड़ता। निमी की जो वेबसाइट है NIMI.online/admission, उसी पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपको जाना पड़ेगा, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब फॉर्म आते हैं। ये हर साल आते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के फॉर्म, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछ लो। जिस भी साथी की सप्लीमेंट्री लगी है, मैंने ट्रेड थ्योरी WCS ED या फिर आपका ट्रेनिंग मेथोलॉजी, जो न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से जाकर वो देख सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।